ठीक है अब दो तीन सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है कास्ट सेंसस को लेकर बार बार इस देश में सवाल उठ रहा है और कहीं ना कहीं राज्यों के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें ये एक बड़ा तत्व तो रहा है डॉक्टर संजय पासवान क्या मानते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए और क्रीमी लेयर पर एक लाइन में आपका स्टैंड क्या है इस देश में जाति यथार्थ है यथार्थ है जातिवाद व्यर्थ है फिर भी हिंदू समर्थ है हम ये मानते हैं कि जाति की गणना के मैं खिलाफ रहा हूं शुरू से मैं रहा हूं गरीबी की गणना हो मगर आज इस ढंग से बात हो रही है जाति की गणना के खिलाफ रहे हैं, गरीबी की गणना यस गरीबों की गणना हो होनी चाहिए किनकी? लेकिन लोग मानते हैं कि जाति और गरीब जो है दोनों जुड़ा हुआ है अगर और अभी इधर बात हुई कि साहब जातियों का वर्गीकरण हो तो मैं तो मैं इससे समर्थन कर रहा हूं कि अब इस बात का हो जाए किस जाति को क्या मिला है एक श्वेत पत्र निकले कि क्या मिला इस चीज के किसको मिला एस में किसको मिला है ओबीसी में किसको मिला है यह एक श्वेत पत्र गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए ऑफिशियली है ना एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए किन जातियों को क्या मिला है वह एक गन्ना से ही होगा इसलिए अब मैं इस बात का हूं कि गरीबी गन्ना नहीं हो रही है तो इस माध्यम से तो गरीबों का ये होना है समृद्धि समृद्धि सब विपक्ष कह रहा है कि मतलब पहले हम ये तो समझ लें कि आबादी किसकी कितनी है उस हिसाब से और क्या है उनके पास में और उनके पास में क्या है आबादी ही नहीं जो फुल फ्लेश बने कोई सेंसस का रिपोर्ट बने या को उसका को बने, या कोई गणना तो बने, बने, जो जो अब होनी चाहिए ताकि गरीबी की गणना भी हो सके उससे दूसरा आपने कहा कि वर्गीकरण की बात आपने कहा मैं जातियों के वर्गीकरण के पक्ष में हूं मैं पक्ष में हूं उसका लेवल हो लेवल उसका जाति को ना बनाया जाए परिवार को या व्यक्ति को बनाया जाए उसका आधार आर्थिक हो आर्थिक आधार हो लेकिन परिवार जाति को न बना करके देखिए क्या है जाति को आधार न हम बैकवर्ड्स की तरह नहीं है।, को क्लास है कौशल उसके पास में जो नहीं है हम लोगों को इस चीज को नहीं है इसलिए हमारा जो बंटवारा हो उस ढंग से ना हो कि बैकवर्ड का बंटवारा हो इसला हम, हम हमें जो बढ़ा हुआ है इसलिए मैंने कहा कि जितना माझी हो या संजय पासवान हो हम दोनों बाहर हो जाए